मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारा स्पेशल प्रोग्राम कादर खान। जी हाँ, कादर खान जी के लिए हम एक बार फिर से उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर ही ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, ताकि उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, भले ही उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद उनके फैंस के चेहरे से मुस्कुराहट हट गई होगी, लेकिन हाँ, आज भी कादर खान जी की बहुत सी ऐसी यादें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद हर किसी के जहन में हमेशा बसेगी। जी हाँ, और उन्हीं में से कुछ ही बातों का हम जिक्र करने आए हैं आज आपको। सोमवार के शाम को, सोमवार के दिन कादर खान के निधन को लेकर खुलासा हुआ और उनके बेटे सरफराज ने इस बात की जानकारी दी कि कादर खान जी का निधन हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद कादर खान को लेकर उनके फैंस के बीच जो उनको लेकर के दुआएं जो चल रही थी लोगों के बीच में, वो शायद उतनी काफ़ी नहीं हुई कादर खान जी के लिए, और 81 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कादर खान जी के साथ जुड़ी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहली जानकारी मैं आपको बता दूं कि कादर खान सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने 300 फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया था और 250 फिल्मों में, लगभग 250 फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स लिखे थे, उनके संवाद लिखे, यानी वो एक लेखक भी बहुत ही शानदार थे। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स के लिए उन्होंने डायलॉग्स और संवाद लिखे। इसके अलावा सिर्फ लेखक भी मैं उन्हें नहीं कह सकती, क्योंकि वो एक कॉलेज के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अब अंदाजा लगाइए, एक गरीब परिवार का बच्चा, जी हाँ, जो कि इंडिया में नहीं, इंडिया के नहीं थे, लेकिन वो इंडिया आए थे रहने के लिए अपने माता पिता के साथ, बहुत ही मध्य परिवार भी नहीं कह सकते, उसे बहुत गरीब परिवार कह सकते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे वो, फिर अपने आप को जमीनी स्तर से उठाकर एक स्टार की तरह चमक रहा, कादर खान ने बिल्कुल इसे साबित कर दिया। देखा जाए, कादर खान ने कॉलेज में प्रोफेसरिंग भी की, बच्चों को पढ़ाया भी, और फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने विलन का भी किरदार निभाया और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कॉमेडी का भी रोल किया, लेकिन दर्शकों ने उन्हें कॉमेडी के रोल में सबसे ज़्यादा पसंद किया। और सबसे ज़्यादा पसंद करने के बावजूद देखा जाए तो उनकी जोड़ी, आप अक्षय कुमार के साथ बात कर लीजिए, सलमान खान के साथ बात कर लीजिए, या हमारे गोविंदा जी के साथ बात कर लीजिए, हर किसी के साथ परफेक्ट करते थे। 90 दशक के फिल्मों की बात करें, या अभी हाल ही में 2000 के बाद आने वाली फिल्मों की बात करें, हर फिल्म में कादर खान अपनी जोड़ी, अपनी जो मौजूदगी होती थी, उनकी जो कलाकारी होती थी, वो अपनी फिल्म में ज़रूर दर्ज करवाते थे। आखिरी फिल्म उन्होंने 2017 में कम्प्लीट की, उसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और वो कनाडा अपने बेटे के पास चले गए। हालांकि उन्हें वापस आना था, वो कह के गए थे कि मैं वापस आऊँगा, ऐसा हो नहीं पाया और कनाडा में ही उनका, कनाडा के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उसके बाद एक जानकारी मैं ये भी देना चाहूँगी, उसके बाद उनके जब बीमार होने की खबरें पता चली तो अमिताभ बच्चन कह लीजिए, बड़े बड़े स्टार कह लीजिए, हर कोई उन्होंने दुआ की कि वो जल्दी से ठीक हो, पर ऐसा नहीं हुआ। जब उनका निधन हो गया, उसके बाद अमिताभ बच्चन कह लीजिए, अनुपम खेर कह लीजिए, गोविंदा, रवींद्र टंडन, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम तरह के राजनीति नेता, अभिनेता, एक्टर, एक्ट्रेस, बड़े स्टार, छोटे स्टार, हर किसी ने उनके निधन पर शोक जताया। पूरा बॉलीवुड एक तरीके से शोक की लहर में डूबा हुआ था। 1 जनवरी तो देखा जाए 2019 का पहला दिन था जब लोगों को ये झटका लगा कि अब कादर खान हम लोगों के बीच मौजूद नहीं रहे। और लेकिन एक सच्चाई ये भी है जो कि खुलासा शक्ति कपूर ने किया है, और वो खुलासा है देखा जाए तो कादर खान जी के निधन से पहले का। शक्ति कपूर का कहना है कि ऐसे जो बहुत से ऐसे स्टार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद कादर खान जी की कभी कदर ही नहीं की। जब वो ठीक थे, जब वो इंडिया में थे, तो उनसे किसी ने हालचाल तक नहीं पूछा, वो कैसे हैं नहीं पूछा, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं पूछा। उन्हें लेकर के खुलासा किया कि जब उनका निधन, जब वो जीवित थे, जब वो जिंदा थे, तब उनके बारे में किसी ने नहीं पूछा, उनसे किसी ने हाल समाचार नहीं दिया, और उनके निधन के बाद हर कोई शोक जता रहा है। ये खुलासा शक्ति कपूर था, जो कि बहुत ज़्यादा सदमे में है, और उन्होंने भी कई सारी फिल्में की थी कादर खान जी के साथ, और तमाम यादें उनके पास मौजूद है। मेरे पास शायद उन स्टार्स के नाम कम पड़ जाएं जिन्होंने कादर खान जी के साथ काम नहीं किया था। अच्छा, कादर खान जी को लेकर एक और जानकारी आई है, एक और इन्फॉर्मेशन है कि कादर खान जी का एक सपना था कि वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ फिल्म बनाए, ऐसा नहीं।
उन्होंने जब ये सोचा उसी वक्त अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म कूली की शूटिंग कर रहे थे, जहाँ पर कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को बहुत गंभीर चोट लगी थी और करीबन वो एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे थे, जिसके बाद शायद कादर खान ने कहा था कि मेरा नसीब नहीं है कि मैं अमिताभ के साथ शायद ये फिल्म कर सकूँ, और शायद अंतिम सांस तक अंतिम समय तक ये सपना अधूरा ही था। इसके अलावा जब अमिताभ बच्चन राजनीति में गए थे उस वक्त भी कादर खान के साथ उनके कई रिश्ते बिगड़े, और ये चीज़ें खुलकर कब आ रही है, जब कादर खान जी का निधन हो गया है। जी के निधन के बाद उनकी अलग अलग तरह की जानकारियाँ आई हैं, अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं, चाहे उनके फिल्म से रिलेटेड हो, चाहे उनके डायलॉग से रिलेटेड हो, या उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। कई ऐसी कुछ जानकारियाँ थी जो हमने आपको आज बताई है, और भी कादर खान जी के ऐसे कई किस्से हैं जो वाकई में बहुत ही अनोखे हैं, और शायद सदियों तक कादर खान की एक्टिंग, उनकी फिल्में, उनकी उनकी स्पेशलिटी जो है वो लोगों के बीच उन्हें जिंदा रखेगी। और हम यही दुआ करते हैं कि कादर खान जहाँ भी हैं, अल्लाह जहाँ भी जाए अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। और अभी देखा जाए तो कादर खान को लेकर के आज उनका अंतिम संस्कार किया गया और कनाडा में ही किया गया, उन्हें भारत नहीं लेके आया गया, और उसके बाद उनका निधन होने के बाद अभी उनको अब उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन लोगों की तरफ से जो श्रद्धांजलि है वो अभी भी मिलती जा रही है। और चाहे हम शक्ति कपूर की बात कर लें, गोविंदा की बात कर लें, या डेविड धवन की बात कर लें, डेविड धवन ने उनके साथ कई फिल्में की है, और उनके साथ फिल्मों को लेकर के हमेशा से उनकी फिल्म उनकी जोड़ी जो है फिट बैठी है, मैंने आपको बताया है। और गोविंदा ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने अपना एक गुरु नहीं बल्कि पिता समान व्यक्ति को भी खोया है, और कहीं ना कहीं लोगों को उनका बहुत ज़्यादा गहरा लगा है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि कादर खान काफ़ी टाइम से बीमार थे और उन्होंने वो सिर्फ अपने घुटने के इलाज करवाने के लिए कनाडा गए थे, और उन्होंने शक्ति कपूर से आखिरी मुलाकात में ये भी कहा था कि वो वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो वापस नहीं लौट पाए। और शायद निधन है वो कनाडा में जब हुआ तो लोगों के लिए एक टाइम शॉकिंग जरूर था, लेकिन अब हर कोई उनकी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा है, और उनकी अलग अलग तरह की जानकारियाँ आ रही हैं। इस तरह से कादर खान अपने आप को फिल्मों में लेकर आए, किस तरह से वो अपने आप को उसमें ढालते थे, और किस तरह से वो अपने रोल में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इन्वॉल्व हो जाते थे, और जब भी वो कोई भी फिल्म बनाते थे उनकी खासियत थी कि कभी भी अपने आप को उन्होंने स्टार नहीं माना, उन्होंने अपने आप को उसी दायरे में रखा जिस दायरे में कोई नया स्टार होता है, क्योंकि उनका मानना था कि कितना भी कोई व्यक्ति सीख ले, लेकिन कभी भी अपने काम को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और शायद ये चीज़ उनके लेखन में भी दिखती थी, उनके लेखन में भी नज़र आती थी। और उनकी ज़्यादातर लिखी हुई फिल्में, ज़्यादातर लिखे गए डायलॉग सुपरहिट माने जाते हैं, सुपरहिट बड़े बड़े स्टार्स के लिए उन्होंने लिखा है, और सबसे बड़ा देखा जाए तो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की कई ऐसी फिल्में हैं जो सुपरहिट है, और उन्हें कादर खान ने ही लिखा है, उनके डायलॉग्स कादर खान ने लिखा है, और इस बात को खुद अमिताभ बच्चन ने भी अपने पोस्ट के जरिए जिक्र किया है, और खुद ही कहा कि उनकी कई ऐसी सुपरहिट फिल्में हैं जो कि कादर खान ने उन्हें लिखा है और उनमें डायलॉग्स दिए हैं। तो खैर, उनकी गैर मौजूदगी को तो फुलफिल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, हम भी यही चाहेंगे, फिल्मी अड्डा का पूरी टीम यही चाहेगा कि कादर खान को जहाँ भी अल्लाह ताला भेजे खुश भेजे, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके परिवार को ये हिम्मत दें। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन हाँ, बॉलीवुड की हस्तियों के साथ जुड़े रहने के लिए, बॉलीवुड की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट और हर जानकारी आप लोगों को मिल सके। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कादर खान जी, हाँ, जिनके निधन से पूरे देश में लोग सदमे में हैं, नए साल की शुरुआत ही ऐसे लगी कि बहुत बुरी तरीके से हुई है। 81 साल के कादर खान ने कनाडा के अस्पताल में सोमवार शाम को 6 बजे अंतिम सांस ली। वहीं आज कादर खान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर कादर खान के बेटे सरफराज ने जानकारी दी है। सरफराज के अनुसार दोपहर 12 बजे पार्थिव शरीर को मस्जिद ले जाया गया। नवाज के बाद अंतिम संस्कार प्रक्रिया को शुरू की गई। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक कादर खान ने बहुत ही शांति से अपना शरीर छोड़ा। निधन के कुछ देर पहले ही कादर खान कोमा में चले गए थे। कादर खान ने आखिरी बार गुरुवार को खाना खाया था। ये खाना कादर खान की बहू साहित्या यानी कि सरफराज की पत्नी ने बनाया था। इसके बाद उन्होंने अस्पताल का खाना खाने से मना कर दिया था।
साहित्यता ने उन्हें समझाया कि उनके लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं माने। कादर खान किसी भी बात का जवाब देने के लिए सिर्फ आँखों से इशारे कर रहे थे। यही कादर खान के आखिरी शब्द भी थे। गुरुवार के बाद से उन्होंने अन्न का एक दाना भी और पानी तक भी नहीं पिया था। वो सिर्फ घर का खाना खाना चाहते थे। कादर खान के दोस्त ने कहा कि वो एक असली पठान थे। 5 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया और ना ही पानी पिया। इसके बावजूद वो 120 घंटे तक जिंदगी से जंग लड़ते रहे। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। जी हाँ, उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में गम का माहौल बना है। जहाँ अमिताभ बच्चन, अर्जुन कपूर, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तक ने इनके लिए खास ट्वीट किया है, वहीं बता दें कि कादर खान ने 15-16 दिन पहले अपने तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। खबरों की माने तो डॉक्टर उन्हें पहले वेंटिलेटर पर रखे हुए थे, फिर उन्हें वहां से फिर से हटाया गया। इसके बाद हर घंटे उनकी हालत बिगड़ती गई।